स्कूल से मैसेज आया था कि हाँ भाई आज कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप अपने बच्चों को ले जाइए। तो ऐसा माहौल बना दिया, दिल्ली में पैनिक स्थिति बना दिया बिल्कुल, कि आज पूरे ऑल ओवर दिल्ली की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। एक ड्रिल हुई थी, उसके वजह से हमको ग्राउंड में ले गया, फिर हमको कहा कि आपको घर जाना पड़ेगा। कि यहाँ एक गाड़ी के अंदर 10-12 बच्चे जाने, कि यहाँ अकेली गाड़ी मतलब सिंगल सिंगल पेरेंट्स ने लेना ना, इतनी प्रॉब्लम वैसे नहीं है, सिर्फ जाम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस समय जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है सर, कम से कम अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी यहाँ पे खड़ा होता तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती सर। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मीरा बाग में और यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, यहाँ पर पेरेंट्स आ रहे हैं और बच्चे को ले जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो यहाँ पर 10 बजे सभी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है और कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द अपने बच्चे को ले जाइए। आइए पेरेंट्स से बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। मैसेज आया था कि स्कूल में बम थ्रेट है, कोई बम का कुछ अफवाह फैली हुई है, तो इस वजह से सबको लेने आए हैं बच्चों को अपने। आपको कब जानकारी मिली है? 10:15 बजे करीब। बच्चे को वापस भेज रहे हैं सर? ये ना ग्रुप में मैसेज आया था कि यहाँ पे किसी ने धमकी दिया है और बम फोड़े जाएंगे, स्कूल सारा तबाह कर देंगे, तो उस चक्कर में ये भगदड़ मची हुई है। बस यही बात है, तो हमने बस ना पानी पिया ना चाय पी, भाग पड़े एकदम बच्चे लेने के लिए। क्या कुछ जानकारी मिली है आप लोगों को जिसकी वजह से बच्चे को आप ले जा रहे हैं? हाँ, स्कूल से मैसेज आया था कि हाँ भाई आज कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप अपने बच्चों को ले जाइए स्कूल से आके। कब जानकारी मिली थी? ये 10 बजे के आसपास मैसेज आया था। क्या बताया गया था उसमें? बस उसमें मैसेज आया था कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, सीरियस है, तो आप आ जाइए अपने बच्चे को ले जाइए। अब कुछ पता चला है आपको क्या बताया गया? नहीं, अभी तो कुछ भी स्कूल की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं है हमारे पास। ह्यूमर्स तो बहुत सारे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बस दैट्स इट। अच्छा, ये स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? ये स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है और अभी ख़त्म होता है कितने बजे? 1:30 बजे। तो आप लोग कब आए थे? 5th से नीचे के बच्चे और उसके 5th से ऊपर वाले बच्चों की 2 बजे छुट्टी होती है। अब आप लोग कब आए थे यहाँ पे? 10:30 बजे पहुँचे हम, क्योंकि ट्रैफिक हो गया था, बहुत पेरेंट्स आ रहे थे लेने अपने बच्चों को सभी, क्योंकि बिकॉज सभी पैनिक हो गए थे एक टाइम पे, तो इसलिए फिर सब आते आते लेट हो गए। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि स्कूलों में बम रखा गया है 100 से ज़्यादा स्कूलों में, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं नहीं, कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो भेज दिया गया है घर? आग लग गई थी शायद। आपको पता है? रूमर आ रहे थे, बोल रहे थे कि या तो कि ईमेल्स आ रहे थे अलग अलग टाइप के कि बम हो रहे हैं, फिर कुछ बच्चों ने बोला कि केमिस्ट्री लैब में फ्यूजन हो गया। आपको पता है कि कुछ बताया आपको? एक ड्रिल हुई थी, उसके वजह से हमको ग्राउंड में ले गया, फिर हमको कहा कि आपको घर जाना पड़ेगा। जैसे अभी मेल आई थी स्कूल वालों के पास, मेल आई थी कि स्कूल में बॉम्ब लगाया गया है, और ऐसे ही दिल्ली के कई स्कूलों में हुआ है, बड़े स्कूलों में, सभी स्कूलों में, विशाल भारती और कई स्कूल हैं जिनके पास ये सेम मेल आई है ऐसे। तो मेरे छोटा भाई पढ़ता है स्कूल में 10th में, तो उसकी टीचर के नंबर से फ़ोन आया था कि उनको लेने आ जाओ, ये बस यही बताना चाहते हैं। सब इकट्ठे हुए बॉम्ब वाली स्क्वाड में देखी थी जब मैं निकल रहा था स्कूल से, यहाँ से बस यही देखा था मैंने तो लास्ट। आप बिल्कुल इसी पढ़ते नहीं है सर, यहाँ से पिक एंड ड्रॉप का काम है हमारा, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम है। लेकिन सर ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गई आज, तो बच्चों को आप देख सकते हैं कितना जाम लग रहा है, जाम ने हमारी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि पेरेंट्स कि यहाँ एक गाड़ी के अंदर 10-12 बच्चे जाने, कि यहाँ अकेली गाड़ी मतलब सिंगल सिंगल पेरेंट्स ने लेना ना, इतनी प्रॉब्लम वैसे नहीं है, सिर्फ जाम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं है, सिर्फ जाम जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही थी तो कम से कम दिल्ली पुलिस को, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को इसमें आना चाहिए था सर, थोड़ा बहुत। वैसे दिल्ली पुलिस वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं, आते हैं उनका रेगुलर, वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन इस समय जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है सर, कम से कम अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी यहाँ पे खड़ा होता तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती सर। अच्छा, दिल्ली पुलिस को जानकारी सुबह में 4 बजे के आसपास ही मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जानकारी सही टाइम पे नहीं दी थी क्या? सर ये तो अब उन्हीं को पता होगा जी, हमारे पास तो 10:30 बजे का मैसेज है जी,
कि स्कूल से 10:30 बजे के करीब मैसेज फॉरवर्ड हुए हैं सबको कि जी अपने बच्चे आकर के स्कूल से ले जाइए। तो जब स्कूल से जब पेरेंट्स को पता लगा तो पेरेंट्स के थ्रू हमें पता लगा, तो उस इन बिटवीन कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगते हैं सर, और उसके बाद में एकदम पैनिक क्रिएट हो गई और सारे पेरेंट्स एकदम निकल के आ गए, क्योंकि जो ऑफिस के लिए भी निकल रहे थे वो भी सारे के सारे पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, तो जो ऑफिस जा रहे थे वो भी पलट के अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पे आ गए। मेन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है सर, क्योंकि उस टाइम ऑफिस टाइम भी था, सारा ऑफिस टाइम ही था वहाँ पे जी, और बच्चे जो पेरेंट्स ऑफिस के लिए निकल रहे थे वो वापस आ गए जी बच्चों को लेने के लिए। सूचना मिली तो कैसे बच्चे को बाहर निकाला गया? हमने बच्चों को पहले ग्राउंड में लिया गया और बच्चों को लाइन वाइज सेक्शन वाइज खड़ा किया, उसके बाद में पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स लाइन वाइज अपने बच्चों को ले गए और ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं पेरेंट्स को। क्या यहाँ पे अफरा तफरी मच गई थी? नहीं नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं मची, आराम से बच्चों को हैंडल किया गया, आराम से बच्चे गए हुए क्लास वाइज बच्चे लिए गए और फ्रेंड्स को अंदर बुलाया गया। इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? इसमें कम से कम 3,000 बच्चे पढ़ते हैं। आपको क्या सूचना मिली है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? मैडम ने बताया था जी ऐसे स्कूल के अंदर कोई क्या कहते हैं पीछे से कोई मैसेज आया जी अपने बच्चों को ले जाओ सबको आके, और टीवी में तो हम देख रहे जो 3-4 स्कूलों को धमकी दिया करवा दी उन्होंने उड़ाने की शायद उस वजह से हुआ ये। पर ये बच्चा बोल रहा है कि शायद 4th फ्लोर पे सिलेंडर फटा, मुझे पता नहीं क्या कह रहा है बच्चा है, मुझे ध्यान नहीं। तो ऐसा माहौल बना दिया दिल्ली में, पैनिक स्थिति बना दिया बिल्कुल, कि आज पूरे ऑल ओवर दिल्ली की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है? हाँ जी बिल्कुल जी, 100 से ज़्यादा स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है, और ये तो सैंडमार्क बहुत बड़ा स्कूल है और इसके अंदर कम से कम 1,000 से ऊपर बच्चा पढ़ता है, तो इस स्कूल को तो पहले छुट अगर कोई धमकी मिलेगी सबसे पहले इसी स्कूल को मिलेगी जी, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा जी। तो हमने यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स से बात की, उनका कहना है कि उन्हें 10 बजे मैसेज आया था कि आप जल्द से जल्द अपने बच्चे को ले जाइए, और उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवी पर देखा था कि 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो इसलिए वो और ज़्यादा पैनिक हो गए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेरेंट्स एक से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं और अपने बच्चे को लाने का काम कर रहे हैं। आप एक बार देखिए ट्रैफिक कितनी ज़्यादा लगी हुई है, और इसमें से जो ज़्यादातर है वो पेरेंट्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं और अपने बच्चे को घर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जानकारी मिली है कि ये तो हमारे देश से मैसेज जनरेट नहीं हुआ है बल्कि विदेश से हुआ है, IP एड्रेस से पता लगा है। अभी पूरी कोशिश कर रही है साइबर सेल वाले कि ये कहाँ से हुआ, जनरेट हुआ है। इस खबर पर आपके क्या राय है कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरा मैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।